आपको पता है राकेश सिंह जी जबलपुर से एमपी है, दूसरी टर्म है, और जिस टेट्रा स्कैम की देश भर में चर्चा है, और एंटनी जो कह रहे हैं कि मुझे लिखित नहीं मिला इसलिए हम आगे नहीं गए, तो राकेश सिंह जी ने चूंकि जबलपुर के हैं, वहां व्हीकल फैक्ट्री है जबलपुर में, और उन्होंने 2008 में ही लिखा भी था, एंटनी का जवाब भी है और फिर जीरो ओवर में भी उठाया था, तो इसलिए आज हमने सोचा कि पहले राकेश जी आपको बताएंगे कि क्या हुआ 2008 से 2012 तक टेट्रा ट्रक स्कैम में, और फिर दूसरी टिप्पणी मैं करूंगा, फिर आपके सवाल लेंगे। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। अभी अभी सेना के लिए आवश्यक जिस हाई मोबिलिटी व्हीकल में घोटाले की बात सामने आ रही है और उसको लेकर जिस तरह का चित्र यूपीए सरकार और रक्षा मंत्री ने देश के सामने रखने की कोशिश की है कि उनको ये विषय तब ध्यान में आया जब आर्मी चीफ ने उनको इस बारे में जानकारी दी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये सरासर गलत, पूर्णता भ्रामक और देश के साथ धोखा है, क्योंकि वास्तव में 2008 में 12 मई 2008 में इस विषय को लेकर मैंने एक पत्र रक्षा मंत्री जी को लिखा था। जबलपुर में व्हीकल फैक्ट्री है, आप सबकी जानकारी के लिए लगातार सेना के लिए जो आवश्यक व्हीकल्स हैं वो वहां पर बनते हैं, और अभी तक हाई मोबिलिटी व्हीकल 50,000 से ज्यादा 4x4 के वो बना के सेना को दे चुके हैं और लगातार ये व्हीकल वो दे भी रहे थे। फिर उनको जानकारी मिली मिनिस्ट्री की तरफ से कि अब 4x4 चूंकि आउटडेटेड हो रहे हैं इसलिए अब 6x6 लिए जाएंगे, और व्हीकल फैक्ट्री को कहा गया कि आप इसके लिए तैयारी करिए। व्हीकल फैक्ट्री ने उस पर बाकायदा रिसर्च किया और उसको डेवलप किया, उसमें लाखों रुपए उनके खर्च हुए, और उसके बाद उन्होंने ये सूचना दी कि हमने उसको डेवलप किया है, उसके सारे स्पेसिफिकेशन भी व्हीकल फैक्ट्री को दे दिए गए। लेकिन इसके बाद एकाएक जब उनको ऑर्डर व्हीकल फैक्ट्री को देना था वो नहीं देकर उन्होंने टेट्रा कंपनी को सारे ऑर्डर दिए और 1,990 व्हीकल उन्होंने ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के नाम पर खरीद लिए। ये विषय जब मेरे ध्यान में आया तो मैंने इसको लेकर रक्षा मंत्री को विस्तार से एक पत्र लिखा, उसमें सारी बातों का उल्लेख मैंने किया, उसमें उनको ये भी बताया कि किस तरह से जो व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में बना सकती है, और आर्मी की ये पॉलिसी है, देश की ये पॉलिसी है कि कोई भी उपकरण जिसको बनाने में हम सक्षम नहीं है या हमारे पास टेक्नोलॉजी उसकी नहीं है, एक बार हमको अगर वो मिल जाती है तो हम उसका स्वदेशीकरण करेंगे, और इसीलिए डिफेंस की इस तरह की फैक्ट्रीज देश के भीतर स्थापित की गई। उसको नजरअंदाज करते हुए, उससे पीछे हटते हुए जो व्हीकल वो बना सकते थे और उसकी कीमत व्हीकल फैक्ट्री में थी मात्र 30 लाख रुपए, और वो उन्होंने खरीदा 65 लाख रुपए के हिसाब से टेट्रा कंपनी से। इसको लेकर जब मैंने पत्र लिखा 12 मई 2008 को, उसका जवाब मेरे पास में 30 मई 2008 को रक्षा मंत्री जी का आया, और उसमें उन्होंने लिखा कि जिस हाई मोबिलिटी व्हीकल के प्रोक्योरमेंट में आपने फेवरेटिज्म की बात की है मैं उसको दिखवा रहा हूं। उसके बाद 5 महीने तक कुछ नहीं हुआ, फिर 23 अक्टूबर 2008 को इस विषय को लोकसभा में शून्यकाल में मैंने उठाया, और उसमें मैंने इस बात को जोड़ा कि एक बड़े घोटाले की ओर संकेत है, लगभग 3,000 करोड़ रुपए का यह घोटाला दिखाई देता है, क्योंकि जो व्हीकल खरीदे जाना है उनकी संख्या 8,000 से भी ज्यादा है। मैंने ये भी कहा था कि व्हीकल 6x6 खरीदने की बात हुई थी, लेकिन टेट्रा कंपनी से जो व्हीकल खरीदे गए उनमें से ज्यादातर 4x4 थे।
और इसलिए सीधे तौर पर इसमें एक बड़ा घोटाला हम सबको सामने दिखाई देता है। दुर्भाग्य से जब मैंने पत्र लिखा तब भी रक्षा मंत्री एके एंटोनी थे, उनका जवाब आया। उसके बाद जब मैंने लोकसभा में विषय उठाया तब भी रक्षा मंत्री वही थे और आज भी रक्षा मंत्री वही है। इसलिए ये कहना कि उनको इस विषय की जानकारी नहीं थी ये पूर्णतः गलत है। देश के साथ, देश की सेना के साथ और देश की जनता के साथ में धोखा है। 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का ये घोटाला ये संकेत देता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है और इसलिए मैंने इस बात की मांग की है कि रक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और अगर जैसा कि लोग कहते हैं या कांग्रेस कहती है कि रक्षा मंत्री ईमानदार व्यक्ति हैं, अगर वो वास्तव में ईमानदार हैं तो फिर वो ये बताएं कि सारी गड़बड़ियों को जानने के बावजूद भी ये घोटाला उन्होंने क्यों होने दिया। और इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय अगर इसमें संलिप्त नहीं है तो रक्षा मंत्री को उनके पद से हटाएं और उसके बाद इसकी जांच वो आगे करें। वो उस पर क्वेश्चंस भी लेंगे बट द मैटर इज वेरी क्लियर नाउ। सी व्हाट वी वेर सीइंग द टैट्रा इज अ बिग स्कैम ऑफ 3,000 करोड़ रुपीज and this was notified with the intent and content by our very alert member of parliament from Jabalpur, because in his constituency there is defense own organization vehicle factory Jabalpur, and everybody looks after their constituency and employment opportunities which were coming up there. Suddenly after indigenization and after developing the vehicle for the army requirement and after successfully testing, suddenly some criterias were changed, and even in this letter which we are giving to you his original letter, the reply of Antony and the matter raised during the zero hour. But in his letter he mentions that it may also be noted that Ravi Rishi, promoter of Tatra, has been a negative catalyst in the recently scrapped Eurocopter defense deal. अब ये बढ़ता ही जा रहा है। तो Eurocopter deal में जो negative list में है ऐसे agent से आप क्यों कर रहे हो, अपने देश की जो कंपनी है जो अच्छा बनाया है उसको क्यों नहीं ले रहे हो, एक genuine सवाल उठाया था। उसकी हम we will see, look into this. ऐसा एक जवाब आया है और फिर जीरो आवर में उठाया, लेकिन उसकी जीरो दखल ली उन्होंने। क्योंकि अब हमारा एक ही सवाल है कि व्हाट प्रॉम्प्टेड एंटनी टू बिकम इनएक्टिव ऑन दिस इश्यू, हुज प्रेशर वॉज इट, एट हुज बिहेस्ट दिस सडन चेंजेस इन प्रोक्यूरमेंट एंड क्राइटेरियाज वेयर मेड। गवर्नमेंट वॉज एक्सप्लेनेशन, प्राइम मिनिस्टर वॉज एक्सप्लेनेशन एंड दे मस्ट कम आउट विद दैट, because independent inquiry is only possible if the government comes out clearly and it is a court monitored inquiry. With that I'll on this issue ek dusri tippani hai wo main karta hu. Aaj Gujarat ka nirnay aaya hai, Gujarat ke dangon mein lagbhag ye 14vi 15vi case hogi कि जिसमें निर्णय आया है दंगाइयों को 23 लोगों को सजा मिली है। ये ओडे करके गांव में जो हुआ था उसमें ये सजा हुई है। और मैं ये केस ऐसी है जो 9 केस लंबित रखे गए 5 साल के लिए। आपको मालूम है गुजरात का दंगा पहला एक तरह से दंगा है कि जिसमें लगातार लोगों को सजाएं हो रही है और बहुत सारे केसेस में 200 से भी ज्यादा अपराधियों को सजा मिली है। 84 के दंगे में अभी तक किसी को सजा नहीं मिली और 84 का तो नरसंहार था, वहां कोई सिखों ने तो उल्टा दंगा नहीं किया, तो वहां तो एक को भी सजा नहीं हुई, यहां बहुत लोगों को सजा हुई। ये भी आज सजा हुई है, ये SIT का रिपोर्ट के आधार पर ही हुई है।
और इसलिए जो एसआईटी को बदनाम करते हैं, जो गुजरात सरकार के पुलिस इंक्वायरी को जिन्होंने बदनाम किया, जिन्होंने गुजरात के न्याय व्यवस्था पर आशंकाएं उठाई, एक भ्रामक कैंपेन जारी रखी, विद्वेषपूर्ण कैंपेन गुजरात के खिलाफ जारी रखी, उन सबको ये एक तरह से तमाचा है कि गुजरात में न्याय मिल रहा है और दोषियों को सजा हो रही है। अगर ये लोग वॉलंटरी एजेंसी के नाम पे अगर स्टे न लेते तो 5 साल पहले ही इसकी सजा होती, लेकिन 5 साल लंबे चले, 9 केसेस पेंडिंग रहे, 5 साल तक स्टे रहा, अब ये उसके निर्णय आने लगे हैं और इसका हम स्वागत करते हैं। ये सजा लाइफ टर्म है, लाइफ टर्म है, या आप एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट को पूछिए।